गाइस इट्स फ्री। सबसे बेस्ट चीज़ यही है सॉफ्टवेयर के बारे में कि आपको इतना कुछ मिल रहा है आउट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एंड स्टिल इट्स फ्री। क्या आप एक प्रीमियर प्रो यूज़र हैं? अगर आप हैं तो आपको ऐसे ऐसे या ऐसे नज़ारे तो देखने को मिलते ही रहते होंगे। गाइस मेरे को भी ऐसे नज़ारे देखने को बहुत मिलते थे कुछ दिन पहले तक, बट नॉट एनी मोर। ट्रस्ट मी आई नो, बहुत गुस्सा आता है जब भी आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे बहुत दिल लगा के काम कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है, बट आउट ऑफ नोवेयर आपका सॉफ्टवेयर नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज डिस्प्ले कर दे। देर इज़ नथिंग मोर डिसअपॉइंटिंग देन दैट, बट अभी मैं जितना खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। गाइज आई हैव मेड द बिग स्विच फ्रॉम प्रीमियर प्रो टू डाविंची रिजॉल्व और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरे को कोई कमी फील नहीं होती। मैं एक और चीज़ आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ कि अगर आप ये स्विच करोगे तो आपको कम से कम एक हफ्ता लगेगा टू गेट यूज टू द न्यू सॉफ्टवेयर, और हो सकता है कुछ लोगों को उससे भी कम टाइम लगे डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज। बट टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, और मेरा मेजर जो कंपेरिजन होगा वो ऑब्वियसली प्रीमियर प्रो के साथ होगा इस सॉफ्टवेयर का। गाइस शुरुआत करते हैं प्रोज से। जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को इस सॉफ्टवेयर का लगता है वो ये है कि आपको रिजॉल्व यानी एडिटिंग टैब, फ्यूजन यानी VFX टैब, फेयरलाइट यानी ऑडियो टैब, और कलर यानी समझ गए होगे आप, और डिलीवर यानी मीडिया इनकोडिंग टैब, सब कुछ आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही मिल जाता है। तो आपको कोई भी वो एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले आफ्टर इफेक्ट्स पे जाओ अगर आपको थोड़ा बहुत मोशन ग्राफिक्स करना है, या फिर आप उसको ऑडिशन पे जाओ ऑडियो को लेके अपने, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और गाइस आपको ये सब एक सॉफ्टवेयर में मिलता है और वो भी एकदम फ्री। मैं फ्री फ्री बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स आई कांट इवन बिलीव दैट अ कंपनी कैन गिव यू सो मच फॉर फ्री। गाइस जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगती है डाविंची रिजॉल्व की वो है उसकी परफॉर्मेंस। मैंने कभी भी आज तक डाविंची रिजॉल्व को अपने पीसी में क्रैश होते हुए देखा ही नहीं है, और प्रीमियर प्रो की तो मैं क्या ही बात करूं, आपको पता ही है। आप खुद सोचिए, अगर आप एक वर्क स्टेशन बनवाते हैं और उसमें आपने अगर एक अच्छा GPU लगवा लिया और आप एक प्रीमियर प्रो यूज़र हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपके आधे से ज़्यादा पैसे वेस्ट हो गए हैं। क्योंकि प्रीमियर प्रो इवन दो अभी उसमें GPU का यूजेज बढ़ा है, अभी भी द यूजेज इज स्टिल नथिंग कम्पेयर टू द सॉफ्टवेयर लाइक डाविंची रिजॉल्व। और क्योंकि डाविंची रिजॉल्व हर स्टेप पे आपको GPU और CPU का कम्बाइंड परफॉर्मेंस देता है, इसीलिए यू गेट अ वे स्मूदर एक्सपीरियंस ऑन डाविंची रिजॉल्व एज कम्पेयर टू द प्रीमियर प्रो। हर एक चीज़ आप जो करोगे ड्यूरिंग द एडिटिंग, प्लेबैक से लेके इफेक्ट्स लगाने तक, सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है डाविंची रिजॉल्व पे। गाइस जो थर्ड पॉइंट है जो कि मेरे को काफ़ी पसंद है डाविंची के बारे में वो है उसका इंटरफेस। डाविंची का इंटरफेस बहुत ही अच्छा है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी यू नो उसको सीखने में। हो सकता है अगर आप किसी और एडिटिंग सॉफ्टवेयर से आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा नया नया फील हो, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट वेरी इजीली। इंटरफेस के और कुछ फीचर्स जैसे कि स्टेबलाइजेशन और डायनामिक जूम और क्रॉपिंग, ये सब आपको बहुत इजीली इंस्पेक्टर पैनल में एक्सेसिबल हो जाता है। इट मेक्स डूइंग दोज थिंग्स वेरी इजी, बहुत ही आसानी से आप वो सब काम कर सकते हो। और इवन दो वन ऑफ द कॉन्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इंटरफेस ओनली, बट विल गेट बैक टू इट later in the video. Coming to the fourth point here, and that is one of the best things about DaVinci Resolve on the industry level, and that is, you guess it right, that is color grading. Bhai, color grading ki to main baat hi kya karun, it is the बेस्ट सॉफ्टवेयर टू कलर ग्रेड योर वीडियोस। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि अपनी वीडियोस पे कलर ग्रेड पे बहुत टाइम लगाते हैं और उनको कलर ग्रेड करना बहुत पसंद है तो उनके लिए डाविंची रिजॉल्व जन्नत है। जो नोड बेस्ड सिस्टम है डाविंची रिजॉल्व के कलर पैनल का, वो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कलर ग्रेडिंग करने के, उनको मैनेज करने में बहुत आसान कर देता है। द काइंड ऑफ एडवांस टूल्स दैट यू गेट टू कलर ग्रेड योर वीडियोज इन डाविंची रिजॉल्व इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव, बिकॉज ऐसे टूल्स पाने के लिए आपको प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एक्सटेंशंस परचेज करने पड़ते हैं, फिर भी वो बात नहीं आती जो डाविंची रिजॉल्व के कलर ग्रेडिंग में
यू नो इन सॉफ्टवेयर बिल्ट आती है। अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कलर ग्रेडिंग पैनल के, मैं किसी भी उसके डिटेल्स में नहीं गया हूँ इस वीडियो में। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स बता सकते हो, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन इट। गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द प्राइस ऑफ द सॉफ्टवेयर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो प्रीमियर का सब्सक्रिप्शन होता है अलॉन्ग विद ऑल द अदर क्रिएटिव क्लाउड एप्लीकेशन, वो आपको 3500 कुछ का पड़ता है पर मंथ, एंड जो पूरा साल का मिला के फिर वो बैठता है, दैट इज अराउंड 42,000 पर ईयर आई गेस। सो इतना ही पड़ेगा शायद, विच इफ यू बिकम अ प्रीमियर प्रो यूजर लाइक फॉर एवर, देन दैट मीन्स यू हैव टू स्पेंड 42,000 रुपीज ईच ईयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आई मीन आई डोंट नो, आई मीन मे बी इट्स गुड, बट इफ यू हैव एन ऑप्शन, इफ यू हैव अ मच चीपर ऑप्शन विच गिव्स यू वे मोर एडवांस टूल्स देन प्रीमियर, आई थिंक इट डाविंची रिजॉल्व इज वे मोर प्रैक्टिकल देन दैट। और बहुत लोगों के लिए इस टाइप का खर्चा करना भी बहुत मुश्किल होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द देयर करियर्स। और डाविंची रिजॉल्व की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द जो क्रिएटर्स हैं उनका जो काम होगा वो फ्री वर्जन में बहुत ही आराम से चल जाएगा। यू हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स, यू हैव एवरीथिंग यू नीड इन देयर, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट स्टूडियो वर्जन तो वो आपको कुछ 26,250 रुपीज का पड़ता है शायद, एंड आई थिंक इट्स वेरी चीप। आई मीन दैट इज अ वन टाइम पेमेंट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एवर अगेन, एंड द सॉफ्टवेयर विल बी विद यू फॉर एवर, यू नो। सो आई थिंक दैट इज वॉट अ ग्रेट डील लुक्स लाइक, एंड कंसिडरिंग ऑल द फीचर्स दैट यू गेट अलॉन्ग विद इट, That's insanely cheap, especially if you compare it to Premiere Pro. Pros हो गए हैं, let's talk about the cons now. जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट आई फील लाइक देयर इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट कम्स विद द इंटरफेस। गाइस प्रीमियर का जो इंटरफेस है वो इतना फ्लेक्सिबल है दैट इट इज़ ऑलमोस्ट अनबीटेबल। कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर उसको बीट नहीं कर सकता है। आप लिटरली कोई भी डब्बा उठा के कहीं से भी कहीं को भी रख सकते हो, आप अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग डिफरेंट विंडोज़ को रीसाइज कर सकते हो, पोजिशन चेंज कर सकते हो उनकी, एंड इट इज़ क्वाइट अमेजिंग, इट इज़ अनबीटेबल इन दैट यू नो इन दैट एरिया। And it is something that you don't get with DaVinci Resolve. It is something that you can get used to, but it'll annoy you in the beginning a little bit. It will. Guys, dusri problem un logon ke liye hai jo ki collaborative kaam bahut karte hain. Slowly log Resolve ki taraf ja rahe hain, but the truth is ki wo jo pace hai that is very slow. Matlab लोग बहुत धीरे रिजॉल्व की तरफ जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडियोज एंड फ्रीलांसर्स स्टिल यूज प्रीमियर प्रो एज द मेन एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो उसमें दिक्कत आपको ये आएगी कि आप किसी के साथ कोलैबोरेटिव काम कर रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट शेयरिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है उस केस में। तो उस केस में आपको हो सकता है ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, मे बी यू कैन डू इट, बट उसमें हो सकता है शायद कि कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड हो जाएंगे और ये सब चीज़ें होंगी। बट If you are going to DaVinci Resolve and you do a lot of collaborative work, you might want to consider staying on Premiere only for now. And guys, the third and the final problem with this software is the number of presets and tutorials available online. धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोग बनाना शुरू कर रहे हैं अलग अलग ट्रांजिशंस और ये सब चीज़ें DaVinci Resolve के लिए, बट वो चीज़ अभी भी बहुत स्लो है। अगर हम नंबर्स कंपेयर करें बिटवीन दीज टू सॉफ्टवेयर्स तो अभी भी DaVinci Resolve के केस में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। मेरे लिए वो चीज़ इतनी बॉदरिंग नहीं है, मेरे को वो चीज़ इतना बॉदर नहीं करती है क्योंकि मैंने अपना एडिटिंग स्टाइल पूरा चेंज कर लिया। आई डोंट यूज़ यू नो दोज काइंड ऑफ फैंसी इफेक्ट्स एनी मोर, सो टू मी इट्स कम्प्लीटली फाइन। मतलब आपको मिल जाएंगे इफेक्ट्स, प्रीसेट्स वगैरह सब मिल जाएंगे आपको, इट्स नॉट लाइक नहीं मिलेंगे, मिल सब जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट द ऑप्शंस आर लिमिटेड, दैट इज़ वन थिंग टू कंसिडर। सो गाइज दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड, आई होप आप ये वीडियो देखने के बाद डिसीजन ले पाएँ कि आपको प्रीमियर पे ही टिकना है या आप DaVinci Resolve की तरफ जाना चाहते हो। मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ DaVinci Resolve की तरफ बिकॉज आई थिंक द वैल्यू फॉर मनी इट प्रोवाइड्स इट्स इनकम्पेरेबल। आई बिलीव इट कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एडिटर्स आउट देयर। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा काम है एडिटिंग से रिलेटेड जो कि DaVinci Resolve पे नहीं किया जा सकता। यू कैन डू प्रिटी मच everything. अगर आपको अपने ऑडियो में से सर्टेन फ्रीक्वेंसीज हटानी है, यू कैन डू इट। अगर आपको कुछ मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करने हैं फ्रॉम स्क्रैच, यू कैन डू इट। अगर आपको बेसिक एडिटिंग करनी है, यू कैन ऑब्वियसली डू इट। स्टेबलाइजेशन, फ्लिकर हटाना, रिमूविंग द नॉइज, यू कैन प्रीटी मच डू ऑल ऑफ दैट इन जस्ट वन सॉफ्टवेयर, एंड देर आर सो मैनी
एडवांस फीचर्स दैट कम इन विद द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, और वो सब आपको किसी और जगह देखने को नहीं मिलते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो, और प्लीज बेल आइकन दबा देना उसके साथ साथ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल पे मैं व्लॉग कंटेंट और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता हूँ, एंड इफ दैट इज समथिंग दैट यू वुड वांट टू वॉच, तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ इट। तो गाइज, अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।